जय भीम साथियों, भारत सरकार लाई है आप सबके लिए एक अभूतपूर्व ऑनलाइन गौ विज्ञान परीक्षा, जिससे न आपका कौशल का विकास होगा न नौकरी मिलने में मदद मिलेगी, पर हमारी पवित्र गाय और उसके विज्ञान के बारे में जानकारी जरूर पड़ेगी। इस परीक्षा की और इसके पाठ्यक्रम की काफ़ी खिल्ली उड़ाई जा रही है सोशल मीडिया में, उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि गाय के साथ कभी भैंस की बात क्यों नहीं होती और कैसे ये एक ब्राह्मणवादी सोच को दर्शाता है। और पहले आप जान लीजिए इस गौ परीक्षा का मूल विवरण। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग 25 फरवरी को एक ऑनलाइन गौ विज्ञान राष्ट्रीय परीक्षा कराएगा, जिसमें कोई भी मुफ्त में हिस्सा ले सकता है। भारत के आधुनिक इतिहास में पहली बार होने जा रही ये परीक्षा अब से हर साल होगी। हिंदी अंग्रेजी के अलावा अन्य 12 भाषाओं में कराई जाएगी। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इसमें। हर उम्र का व्यक्ति इसकी अलग अलग श्रेणियों में हिस्सा ले सकता है। आयोग का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री हो, जिला शिक्षा अधिकारी, विद्यालयों के प्रधानाचार्य, मीडिया, एनजीओ सब मिलकर इसे सफल बनाएंगे। अब गौ विज्ञान परीक्षा के पाठ्यक्रम पर नजर डालें तो सावधान रहिएगा, हंसी की नदियां बह सकती हैं। देसी गाय के दूध में सोने के निशान होते हैं। गौ हत्या के कारण भूकंप आते हैं। गाय के प्रतिफल से हर एक बीमारी ठीक हो जाती है। 1984 में भोपाल में गैस रिसाव के कारण 20,000 से अधिक लोग मारे गए, परंतु गोबर लेपित दीवारों वाले घरों में रहने वाले लोग प्रभावित नहीं हुए। पाठ्यक्रम में देसी और विदेशी गाय की तुलना भी की करी गई है। देसी गाय इतनी चतुर है कि गंदे स्थानों पर नहीं बैठती, जबकि जर्सी गाय आलसी है और उसे बीमारियों का खतरा रहता है। जब भी कोई भी अनजान व्यक्ति देसी गाय के पास आता है, वह तुरंत खड़ी हो जाती है। वहीं विदेशी गाय भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करती। गाय दूध देती है, उससे घी और दही बनती है, वो पौष्टिक होती है। यहाँ तक तो ठीक था, पर ऐसे भ्रम और अर्ध सत्य फैलाना, वो भी बिना किसी अनुसंधान के, बिना किसी रिसर्च साइटेशन के, आधुनिक भारत के लिए किसी काम का नहीं है। अगर हम एक सुझाव दें सरकार को, तो सरकार को पाठ्यक्रम में ये भी जोड़ना चाहिए कि कैसे पिछले कुछ सालों में गाय और बीफ से जुड़ी लिंचिंग्स की घटनाएं कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। भारत में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग भी है, ये आज पता चला। मोदी सरकार की अपार सफलता की नीतियों में से एक है ये। फरवरी 2019 में बना था। वैसे तो ये आयोग हर तरह के मवेशियों के लिए नीतियां बनाने के लिए बना है, पर ये परीक्षा सिर्फ गाय पर है। सोचा जाए तो भैंस पर क्यों नहीं? केवल गाय ही क्यों पवित्र और पूजनीय मानी जाती है, भैंस क्यों नहीं? भैंस विज्ञान क्यों नहीं है इस परीक्षा में? इसके लिए हम कांचा इलाया की किताब बफेलो नेशनलिज्म, यानी बफेलो भैंस राष्ट्रवाद, पढ़ सकते हैं। प्रख्यात बुद्धिजीवी कांचा इलाया शेफर्ड ने इस किताब में भैंस का राष्ट्रवाद रूपक की तरह इस्तेमाल करते हुए उसे गाय के राष्ट्रवाद के विपरीत रखा है। वो बताते हैं कि कैसे गाय का राष्ट्रवाद और उसकी पवित्रता ब्राह्मण बुद्धिजीवियों का चतुर पाखंड है, वहीं भैंस का राष्ट्रवाद दलित बहुजन संस्कृति को दर्शाता है। विस्तृत तौर पर कांचा इलैया का कहना है, दलित बहुजनों की स्थिति एक काले और सुंदर भैंस के समान है, जो भारत की गायों की तुलना में अधिक दूध, अधिक सफेद दूध देती है, लेकिन समाज में उसके लिए कोई पवित्र दर्जा नहीं है और संविधान में कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है। ये हमें पूछने के लिए मजबूर करता है, ये भारत किसका है? हम सलाह देंगे कि आप सब इस किताब को ज़रूर पढ़िए। ये बहुत चौंकाने वाली, बहुत इंसाइटफुल किताब है। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। अब परीक्षा ले ना ले आपकी मर्ज़ी है, पर इस बारे में, इस पाठ्यक्रम के बारे में, इस चीज़ के बारे में और इस ब्राह्मणवाद पाखंड के बारे में, ये गाय और भैंस की चर्चा के बारे में आप सबको ज़रूर ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। आप चाहें तो ऐसी और खबरों के लिए, दलित बहुजन समाज से जुड़ी और खबरों के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ
ही साथ चाहे तो आप द शूद्र मीडिया को फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जय भीम साथियों।